अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप यार कह रहे होगे, पता नहीं अरहम भाई यार किधर चल गया, व्लॉग ही नहीं आ रही, इतनी देर हो गई है यार, फीवर हो गया था जिसकी वजह से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तबीयत बहुत ख़राब थी। लेकिन अब इंशाल्लाह टाइम से व्लॉग आया करेंगे। आप लोगों ने नाराज़ नहीं होना, मैं माजरा चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर से। लेकिन यहाँ जो से मेरे पहले व्लॉग से वीडियो देख रहे हैं ना, पहले व्लॉग से जो सब्सक्राइबर मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको तो पता होगा जिसके मैंने पहले वीडियो शूट की थी। और वो जब जाने लगा था वो मैं कह गया था कि मैं 3 महीने बाद वापस आऊँगा, लेकिन वो 1 महीने बाद ही वापस आ गया। जो पुराने सब्सक्राइबर उनको तो पता लग गया होगा, जो नए आए उनको तो नहीं पता लगा होगा। वैसे भी आज जुम्मे यार, जुम्मा पढ़ते हैं, जुम्मे के लिए तैयार होते हैं, मिलते हैं हम जुम्मे के टाइम, जुम्मा पढ़ के उसके बाद आपको उससे मिलाएंगे, नए सब्सक्राइबर को पता लग जाएगा कौन है, मिलते हैं फिर जुम्मे के। सर्दी में कपड़े भी पहनना बहुत मुश्किल है, शलवार कमीज पहनो सर्दी लगती है, पैंट शर्ट पहनो फिर सुकून होता है। देखते हैं पैंट शर्ट पहनते कि शलवार कमीज, वैसे पैंट शर्ट सही रहेगी सर्दियों में, चलो पैंट। इसी तरह भाई जान नहा धो के जुम्मे के लिए रेडी हो गए हैं, जुम्मे में तकरीबन 10 मिनट रह गए हैं, अब चलते हैं जल्दी जल्दी, हमें लेट ना हो जाए जुम्मे पढ़ना है, जुम्मे ना छोड़ दिए क्योंकि दूसरी मस्जिदों में यार 3:30 बज जाते हैं, ये हमारी मस्जिद है जिसमें ज़्यादा जल्दी होता है। अच्छा तो गाइस जुम्मे का टाइम हो गया था, उसके बाद मैं घर से निकला, फिर मैं गया जुम्मा पढ़ने। जुम्मा पढ़ते पढ़ते यार आगे मैं लेट हो गया था, तकरीबन 10 मिनट रह गए थे। आपके भाई ने फिर दौड़ लगाई कि यार जल्दी जल्दी मस्जिद पहुँचा जाए। इसी तरह भाई मैं 5 मिनट में मस्जिद पहुँचा, फिर उसके बाद भाई जब मस्जिद जाके देखे तो मस्जिद तो खाली थी। पता नहीं यार लोग सर्दियों में नमाज़ पढ़ना क्यों छोड़ जाते हैं, ऐसे करना नहीं चाहिए वैसे लोगों को, 5 वक्त की नमाज आपको रेगुलर पढ़नी चाहिए। अब क्या कर सकते हैं लोग, बस मोबाइल चलवा लो इनसे और कुछ काम करा लो, नमाज तो पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे होगे अब ये सारी सफ़े खाली है यार, देख के अफसोस होता है कि अल्लाह ताला ने एक आपको काम कहा है, आप वो नहीं पूरा करते। इस तरह अंदर से भी देखें, अंदर भी सारी मस्जिद खाली। उसके बाद आपका भाई जुम्मा पढ़ के वापस आया है, उसके बाद आप देखें आप जितनी जिसका वेट कर रहे हैं उसके साथ आपको मिलाते हैं फिर चले। जैसे कि आपने वीडियो पर देखा होगा मैं तो जुम्मा पढ़ के वापस आ गया था। अब आप कह रहे होगे बंदा कौन है जिसे आपने मुझे मिलवाना था, अब टाइम आ गया मिलवाने का, अब चलते हैं उसके पास, आपको उसके साथ मिलवाते हैं। नए सब्सक्राइबर का तो पता नहीं होना लेकिन पुरानों का तो पता है, चलाओ चलते हैं फिर उसको मिलते हैं। अच्छा तो भाई ये बंदा था जिसे आपसे मिलाना था। अच्छा तला भाई आप तो हमें कह गए थे हमने 3 महीने बाद आना, लेकिन आप महीने बाद ही आ गए हो। यार बस एक काम था छोटा सा, तो उसकी वजह से मुझे आना पड़ा है। तो मैंने आपको कहा था कि छुट्टियां होंगी तो आऊँगा, मुझे छुट्टियां फ़िलहाल नहीं है, आपको पता ही है कि मैंने संडे को वापस चला जाना, बस काम था छोटा सा जिसकी वजह से आना पड़ा है। काम कोम कोई नहीं था, ये मैच खेल रहे हैं उधर, इसको मैच खिला नहीं रहे थे इसलिए आया, ये ऐवे नहीं आया। नहीं नहीं मैच खिला रहे थे, मैं कैप्टन हूँ भाई आपको पता ही है, और अपनी टीम है। और ऊपर से यार तलहा भाई का चैनल भी आपने सब्सक्राइब करना, तलहा भाई आपके चैनल का नाम क्या है? यार मेरे चैनल का नाम है तलहा सैयद व्लॉग्स। बात ठीक है, आपने लाइक करना सब्सक्राइब करना इनके चैनल को भी, मेरे चैनल को भी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लाभ।